वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों को जब आप किसी भी प्रोफेशन में जाने की नसीहत करते हैं या फिर आप अपने बच्चे के लिए कैसे जब वो एक पेशे का एक प्रोफेशन का जब इंतखाब करें, कैसे इसको चूज करें, इसके लिए आपको किन किन बातों का जब वो ध्यान रखना चाहिए, इन बातों को ज़हन रखते हुए बच्चे के लिए जब वो आप अपने बच्चे के लिए एक प्रोफेशन एक जॉब करियर के तौर पर जो बच्चा आगे जाकर जो वो नौकरी करने वाला है उसके हवाले से आपको किन बातों को जो वो ज़हन में रखना जो वो लाजमी होता है और इनकी मदद से आप सारी बातें अपने बच्चे के लिए एक बेस्ट प्रोफेशन जो कि आने वाले वक्त में सारी बात है उसके लिए एक अर्निंग रिसोर्स होगा, आमदनी का एक जरिया होगा, उसके लिए आपको किन बातों को जो ज़हन में रखना लाजमी होता है आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स कि बच्चों के लिए आपको जब किन चीजों को जब ज़हन में रखने की जरूरत होती है जब आप बच्चे के लिए कोई प्रोफेशन या कोई पेशा जब सोच रहे हो। सबसे पहली बात, आप अपने बच्चे में ये चीज देखें कि उसमें ज़हानत, क्योंकि जिंदगी में कामयाबी के लिए तालीम के साथ जब ज़हानत लाजमी है, तालीम के साथ ज़हानत जो वो लाजमी है, यानी ये चीज होगी तब ही बच्चा जो वो कामयाब होता है। और ये भी कहा जाता है कि खुदा ने जहन जो वो सबको एक जैसा दिया, बस बच्चे को उसकी जहनी सलाहियत को इस्तेमाल करने के काबिल बनाने वाले लोग जो उसके पास होने चाहिए, चाहे पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, इनकी मदद जो वो लाजमी होती है। अब ज़हानत का मतलब क्या होता है, ज़हानत क्या है? ज़हानत का मतलब यह है कि अपने इलम और तजर्बे को जो है वो मुख्तलिफ तजिये तजर्बे के साथ पूरे एनालिसिस के साथ जो है वो इस्तेमाल करना, यानी अच्छी याददाश्त होना, यानी अच्छी याददाश्त यानी गुड मेमोरी जो है वो बच्चों की इनकी ज़हानत को सारी बातें बढ़ाती है। तो आई थिंक इसलिए बच्चों को जो है वो सबक याद करने के लिए जो है वो सिखाया जाता है, जोर दिया जाता है, सारी बातें इसको मेमोरी को जो है वो याददाश्त को जो है वो अच्छा बनाने के लिए ऐसा जो किया जाता है। इसके अलावा ज़हानत ये है कि कम से कम वसाइल को ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से मौसर और अच्छे तरीके से जब इसका इस्तेमाल करना जो वो ज़हानत कहलाता है। इसके अलावा ज़हानत की अगर बात की जाए तो ये मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ इंटरेस्ट होते हैं, रुझान होते हैं, टेंडेंसी होती है, यानी कुछ लोग जो होते हैं वो किसी एक शोबे में जो वो ज्यादा ज़हीन होते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ लोग जो होते हैं वो हिसाब किताब में यानी मैथ नंबर्स रियाजी में जो वो ज्यादा अच्छे होते हैं, यानी इससे रिलेटेड जो यानी रियाजी से मुतल्लिक नंबर से मुतल्लिक जो काम होते हैं उनको जो वो अच्छे तरीके से करते हैं, जो कि आई थिंक अकाउंटेंट वगैरह लोग होते हैं यानी बैंकर्स जो होते हैं, तो ऐसे अफराद जो होते हैं वो ज्यादातर कॉमर्स पढ़ते हैं। आई थिंक जो एजुकेशन के लोग हैं उनको ज्यादा पता होता है कि ऐसे अफराद जो के नंबर्स यानी अकाउंट वगैरह की तरफ जा रहे होते हैं तो उनको कॉमर्स के सब्जेक्ट जमा पढ़ने ही पड़ते हैं। और आप पेरेंट्स हैं या फिर कोई स्टूडेंट यहाँ पे सुन रहे हैं तो जारी बात है यहाँ पे आपको इस बात को ज़हन में रखने की जरूरत होती है कि आपको अपनी ज़हानत देखनी है, आपकी ज़हानत का जो रुझान है इंटरेस्ट है वो किस चीज में है। यानी अगर आप अकाउंट में अच्छे हो, रियाजी में अच्छे हो, तो आपको जारी बात है उसी के हिसाब से सब्जेक्ट जो वो चूज करने चाहिए, ऐसे सब्जेक्ट का इंतखाब करना चाहिए। तो जो लोग साइंस में अच्छे हो तो जारी बात है उनको जो है वो साइंस सब्जेक्ट से वो पढ़ने चाहिए, जो कि जारी बात है ज़हानत पर ही डिपेंड हो रहा होता है। और समटाइम हमारे नंबर्स को हमारी ज़हानत का जो है वो एक लेवल या फिर लेबल समझा जाता है। तो आई थिंक बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में बहुत सारे बच्चों को जो साइंस पढ़ना चाह रहे होते हैं आई थिंक इस वाले फैक्ट को भी बहुत सारे लोग जो है वो अग्री करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में साइंस बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको स्कूल्स के अंदर जारी बात एडमिशन नहीं मिलता है जो कि नंबर्स पर डिसाइड होता है। जैसे कि 9th A मिडिल क्लास के बाद साइंस अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं 9th-10th में हाई स्कूल में, तो ऐसा बहुत सारे बच्चों के लिए नामुमकिन हो जाता है जिनके मार्क्स कम होते हैं लेकिन उनकी ज़हानत होती है, ज़हीन होते हैं, तो पीछे जारी बात है अच्छे तरीके से उनकी गाइडेंस नहीं होती है तो शायद इसलिए नंबर जो है वो कम आते हैं। लेकिन अगर आगे जब पढ़ना चाहते हैं तो आगे स्कूल लेवल पे जो अथॉरिटीज होती हैं वो बच्चों को एडमिशन ही नहीं देती हैं।
यानी नंबर्स का अच्छा होना बहुत जरूरी है, यानी आपके नंबर से ही जहानत का जो अंदाजा लगाया जाता है। तो आई थिंक यहाँ पे एक चीज जो फैक्ट पहले भी शेयर किया है कि समटाइम सारी बातें बच्चों की गाइडेंस अच्छे तरीके से नहीं हुई होती है, उसकी वजह से मार्क्स नंबर जो है वो कम रह जाते हैं, लेकिन बच्चे जो है वो जहीन होते हैं। लेकिन ये नंबर जब डिसाइड करते हैं तो सारी बातें ऐसे जहीन बच्चे जो कि वाकई आगे जाके साइंस में कामयाब हो सकते हैं, तो उनको सारी बात है एडमिशन ही नहीं मिलता है। तो इसके हवाले से आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप प्लीज कॉमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट जो चीज आपको देखनी चाहिए वो है रुझान, यानी टेंडेंसी क्या होती है बच्चों के अंदर, यानी इसको दूसरी जुबान में आप इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इस चीज में फर्क पड़ता है। तो यानी रुझान की अगर तारीफ की जाए, डेफिनेशन की जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि हर शख्स को कोई एक या चंद काम जो वो आसान लगते हैं, यानी ये रुझान को जाहिर करता है। यानी कुछ लोगों को, यानी वो दूसरों के मुकाबले में इन कामों को जो वो जल्द सीख लेते हैं जिनमें सारी बात इनका रुझान होता है या आसान लगते हैं जिनको, और इनकी टेक्निक्स जितने भी फनी पहलू होते हैं उनको सारी बातें अच्छे तरीके से और फौरन जो वो सीख लेते हैं। तो ऐसा सारी बातें इनके रुझान की वजह से होता है, और दूसरों के मुकाबले में ये बढ़तरी इनको इसलिए भी हासिल होती है कि इनका रुझान जो है वो इस काम की तरफ जो है या इस शोबे की तरफ जो है वो ज्यादा होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर बहुत सारे लड़कों को इलेक्ट्रॉनिक्स के आलात से जो है वो इस कदर दिलचस्पी होती है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी चीजें होती हैं उसके इसके हवाले से जब इनको लड़कों को जब ज्यादा दिलचस्पी होती है, इनका रुझान ज्यादा होता है, वो ये बहुत जल्द जो वो सीख भी जाते हैं। और कह लीजिए कि लड़कों में ज्यादा जहानत होती है तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों को, जो मशीनें वगैरह होती है, इनकी चीजों को जो वो जल्दी समझ लेते हैं और इनके हवाले से सीख भी लेते हैं। इसके हवाले से एक और मिसाल है कि लड़के जो है वो गुड़ियों यानी जो डॉल्स होती हैं उनके खेल में जो है वो दिलचस्पी नहीं रखते हैं, यानी ये लड़कियों का एक खेल होता है यानी गुड्डे गुड्डी का खेल, जो कि अक्सर आप छोटे बच्चों को खेलते हुए देखते होंगे, नोट करते होंगे। तो ये सारी बातें रुझान की वजह से ऐसा होता है, लड़के कार्स वगैरह में या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक टॉयज होते हैं उनको उनके साथ खेलना जो वो पसंद करते हैं, जबकि लड़कियां जो है वो गुड़िया के साथ खेलना जो वो पसंद करती हैं। तो ये इनके रुझान की वजह से होता है, यानी आप गर्ल्स को जो है वो कार्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक जो टॉयज होते हैं इनके लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं, और ना ही आप बॉयज को जो है वो गुड़िया के साथ खेलने पर जो है वो फोर्स नहीं कर सकते। सारी बातें बच्चों का रुझान ही नहीं होता है और वो कभी खेलेंगे भी नहीं। तो जब आप बच्चे के प्रोफेशन की बात करते हैं या फिर इनके प्रोफेशन को चूज करने में, इंतखाब करने में मदद करते हैं, तो इस बात को, रुझान को जो है वो लाजमी जहन में रखिए। यानी ऐसी चीज जो बच्चा करना ही नहीं चाहता वो अगर आप जबरदस्ती भी वो करवाते हैं तो वो बच्चा उसमें रुझान ना होने की वजह से सारी बातें कभी इसमें कामयाब नहीं होगा। तो सारी बात है आपको करियर और बच्चे की सारी बातें फ्यूचर के लिए इस चीज को जहन में रखना बहुत जरूरी होता है। तो आई थिंक यही बात जो है वो बच्चों के, बहुत सारे बच्चों के नाकाम होने की वजह होती है, क्योंकि उनको रुझान के मुताबिक प्रोफेशन को, करियर को चूज करने, करियर का इंतखाब करने का जो वो मौका ही नहीं दिया जाता है। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तो आई थिंक हर बच्चा इंजीनियर या फिर डॉक्टर नहीं बन सकता है। तो अगर आप जबरदस्ती बनाते हैं तो ऐसे बच्चे जो वो बहुत ही खराब इंजीनियर होंगे या फिर डॉक्टर होंगे। नेक्स्ट, रुझान के साथ इनका इंटरेस्ट यानी इनकी दिलचस्पी जो है वो काफी माने रखती है। बाज काम, तो दिलचस्पी बच्चों की क्या इसके माने होते हैं, वो ये है कि बाज काम जो दूसरों के लिए मुश्किल होते हैं वो ऐसे बच्चों के लिए जिनकी दिलचस्पी होती है उस काम में, वो काम उनके लिए जो है वो आसान साबित होते हैं, और जो काम जारी बात है आपको मुश्किल नजर आ रहा हो दूसरे इन्हें जो है वो बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो वो ऐसा जारी बात है अपनी इंटरेस्ट और दिलचस्पी की वजह से ही ऐसा जो है वो कर पाते हैं। यानी मुश्किल और आसान का ये खेल जो है वो हमारी और आपकी जाती दिलचस्पी और शौक का जो है वो नतीजा होती है। यानी जिस काम में दिलचस्पी नहीं होती है वो काम बच्चे जो वो कभी नहीं सीखते हैं, और जिस काम में जारी बात है दिलचस्पी होती है वो इंसान जो वो जल्दी सीख जाता है और वो काम उसके लिए आसान भी हो जाता है। अमली जिंदगी के पेशे का इंतखाब करते हुए, यानी आप जब पेशा बच्चे के लिए जो वो इंतखाब करते हैं तो उनकी दिलचस्पी, इनका शौक बहुत अहम होता है, और इंसान को वही पेशा जो वो अपनाना चाहिए जो उसके शौक और उसको वो दिलचस्प नजर आता हो। काम दिलचस्प और रुझान के मुताबिक हो
तो वो काम काम नहीं रहता, बल्कि उस इंसान के लिए वो मशगला एक हॉबी बन जाता है। वजह, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट होता है इस काम को। जारी बातें करते हुए इंसान जब वो थकन महसूस नहीं करते हैं, वजह उसको इंटरेस्ट है इसमें। और हाँ, उस काम में कितना ही टाइम क्यों ना लगे, यानी सारा सारा दिन भी अगर लोग करते हैं तो वो कभी बोर नहीं होते हैं या फिर उकताते नहीं है, क्योंकि उनका इसमें इंटरेस्ट होता है। और इनका ये इंटरेस्ट ही इनको जब वो इंस्पायर करता है, उभारता है, तो वो इंसान जब वो सारा दिन भी वो काम कर सकता है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, डॉक्टर का पेशा हो या फिर कोई ऑफिस जॉब हो। नेक्स्ट जो आपको चीज जहन में रखनी चाहिए बच्चे के लिए, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको नेक्स्ट अगर आपको करियर किसी शोबे में परसू करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको क्या चीज जहन में आपके होनी चाहिए, वो ये है कि इंसान में सलाहियत भी मौजूद हो काम करने की। यानी सलाहियतों से मुराद इंसान की जहनी और जिस्मानी खूबियां होती हैं। और जारी बात है, हर इंसान में हर खूबी तो नहीं होती है, कुछ खूबियां जो इंसान में पाई जाती हैं और कुछ नहीं होती हैं। जो दूसरों से ये खूबियां जो होती हैं, वो दूसरों से इंसान को जो वो डिफरेंट करती हैं, मुख्तलिफ करती हैं। और जारी बात है, इन खूबियों के साथ इंसान में खामियां भी मौजूद होती हैं। यानी कुछ पेशों में मखसूस किस्म के मियार होते हैं, स्टैंडर्ड जो है वो पहले से जो वो अपनाने की जरूरत होती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी को फौज में जाना हो, आर्मी को ज्वाइन करना हो, तो इसके लिए जो वो ऐसे इंसान का सेहतमंद होना जो वो जरूरी है। यानी इंसान के तमाम अज़ा जो वो दुरुस्त काम करते हो, ऐसे इंसान के यानी फिजिकली फिट होना जो वो लाजमी होता है। तो आर्मी एक ऐसा शोबा है, जारी बात है यहाँ पे हैंडीकैप लोग जो होते हैं वो जारी बात है इस शोबे को जो वो ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज हर शोबे में, हर फील्ड के अंदर जो है वो एक हैंडीकैप कोटा भी होता है, यानी जिसमें फिजिकली जो फिट लोग नहीं होते हैं उनको भी जो है वो जॉब दी जाती है। लेकिन जारी बात है, जो फिजिकली फिट नहीं होते हैं, कुछ जॉब्स के लिए जिनके लिए एक स्टैंडर्ड सेट होता है कि आपको फिजिकली फिट होना जो है वो लाजमी होता है। इसके अलावा अगर एक और शोबे की बात की जाए, यानी अगर किसी को एक्टर बनना है या फिर एंकर बनना है या फिर कोई पब्लिक स्पीकर बनना है, तो जारी बात है इसके लिए जुबान पर अबूर होना जो वो लाजमी होता है। यानी आपको बोलने का अंदाज जो वो आपका अच्छा होना चाहिए, आप जो जुबान बोल रहे हैं उस पर आपको जो वो मुकम्मल, आपको उसके हवाले से जो है वो मुकम्मल जानकारी होना लाजमी है। यानी आपको कैसे बोलना है, कैसे अदायगी करनी है। तो ये ऐसे शोबे हैं, इसमें वो इंसान कभी भी कामयाब नहीं हो सकता जो कि अच्छे तरीके से बोल नहीं सकता है या फिर बोलने की सलाहियत नहीं रखता है। तो ऐसे फ्राजाई बात है, इन फील्ड के अंदर जो है वो, इन शोबों के अंदर जो है वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट जो चीज आपको, जो कि पहले एक तरह से कह लीजिए पहला फैक्ट होना चाहिए आपके जहन में, वो है तालीम। यानी तालीम जो है वो लाजमी है किसी भी शोबे में कामयाब होने के लिए। तालीम और पेशे का ताल्लुक, जारी बात है, एक गहरा ताल्लुक है और लाजमी है। और जिन अफराद को जो पेशा इख्तियार करना होता है, उसी की तालीम हासिल करना जो है वो लाजमी है। तो इसलिए ये सबसे पहली बात आपको नोट करनी चाहिए, आपको तालीम के मुताबिक जो है वो पेशा इख्तियार करना चाहिए। यानी जारी बात है, जो साइंस पढ़ रहे होते हैं वो मेडिकल की फील्ड में जाएंगे। यानी अगर कोई डॉक्टर है तो उसको जारी बात है सेल्समैन बनने के बारे में सोचना नहीं चाहिए। यानी उसकी एजुकेशन जो है वो साइंस है, तो जारी बात है तो इसके लिए मेडिकल फील्ड की तरफ जाना जो है वो इनके लिए बेस्ट होता है। तो कोई भी दूसरी फील्ड की तरफ इनको जाना जो है वो नहीं चाहिए, क्योंकि जारी बात है वो पेशा जो है वो इनकी तालीम के मुताबिक नहीं होता है। यानी अगर आपको बैंकर बनना है, अकाउंटेंट बनना है, तो आपको कॉमर्स जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए। अगर आपको मेडिकल की तरफ जाना है तो आपको प्री मेडिकल सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ना चाहिए। इसके अलावा वो स्टूडेंट जो कंप्यूटर साइंस की तरफ जाना चाहते हैं, तो जाहिर बात है इन दिनों में, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्यूटर जैसी मशीन जो है वो हर फील्ड में मौजूद होगी, तो आई थिंक ये भी एक बेस्ट च्वाइस होगी कंप्यूटर साइंस को एज ए सब्जेक्ट पढ़ना। इन शॉर्ट के आपको जिस फील्ड में जाना है उसी के हिसाब से आपको पढ़ना जो है वो लाजमी है। मेडिकल की तरफ जाना चाहते हैं साइंस पढ़ें, अगर कॉमर्स जाना है या फिर अकाउंटेंट बैंकर बनना है तो आपको कॉमर्स पढ़ना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को ये भी देखा गया कि अपने सब्जेक्ट को चेंज करते हैं, यानी साइंस पढ़ने वाले आर्ट्स की तरफ आ जाते हैं। वो सारी बातें इनके सब्जेक्ट वगैरह में मार्क्स वगैरह कम आने की सूरत में ऐसा होता है। तो किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए आपको एक तो सब्जेक्ट यानी मजामीन का इंतखाब करना बहुत लाजमी है, फिर इसके अलावा अच्छे नंबर से कामयाब होना भी लाजमी है। यानी
आप जब सब्जेक्ट जो कि अच्छे होते हैं इसके साथ मार्क्स का होना लाजमी है, क्योंकि जब आपको एक जॉब के लिए क्वालिफाई तब किया जाता है जब आपके मार्क्स और ग्रेड्स जब वो अच्छे होंगे। अगर ये दोनों चीजें आपकी कंप्लीट नहीं है तो आपको जॉब के लिए जारी बात है डिसक्वालीफाई होंगे। आपको जॉब के लिए जब रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जारी बात है मार्क्स कम होने की सूरत में ऐसा होता है, तो किसी भी जॉब को हासिल करने के लिए आपके अच्छी एजुकेशन के साथ इसके इस एजुकेशन में नंबर्स और ग्रेड्स अच्छे होना जो है वो लाजमी है अगर आपको गवर्नमेंट लेवल पर जॉब को हासिल करना है। हो फ्रेंड्स आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा, तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात दिल को अच्छी लगी है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।